नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। भवानी मंडी राजस्थान के मशहूर चित्रकार भाई अनिल जी मीना उर्फ वर्मा जी से बीपीए न्यूज के संवाददाता किशोर तंवर जी ने एक मुलाकात करके उनकी अद्भुत चित्रकारी के विषय में कुछ वार्तालाप की। भाई अनिल जी वर्मा साहब, हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये बहुत अच्छे चित्रकार भी भवानी मंडी के माने हुए। हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से, कब से इसमें लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे कि आपकी एजुकेशन क्या है। मेरी एजुकेशन एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग, चित्रकला में मैंने एमए की है गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से। सर अब हम पूछना चाहेंगे आप इस चित्रकारी के इस कार्य में जो है कब से लगे हुए हैं। वैसे तो किशोर जी, मुझे चित्रकारी का शौक बचपन से ही था, लेकिन जैसे ही मैंने कोटा कॉलेज से डिप्लोमा लिया और उसके बाद जब जब भी समाज में कोई विशेष घटनाक्रम घटित होता है तब तब मैं अपने चित्रों के माध्यम से अपनी उपस्थिति और एक संदेश देना चाहता हूँ जनता और दुनिया को अपने चित्रों के माध्यम से। जी, अब तक आपने सोशल एक्टिविटी के हिसाब से कितनी चित्रकारी बनाई होगी सर। मैंने ऐसे तो मैंने मेरी लाइफ में मतलब शुरू से अभी तक कम से कम 200 से ज़्यादा चित्र बनाए हैं, लेकिन ऐसे सोशल जो चित्र हैं वो कम से कम मैंने 50 के लगभग ऐसे चित्र बनाए हैं और समय समय पर पेपर में छपते रहते हैं। इस तरीके का मैं संदेश देना चाहता हूँ। जैसे अभी मैंने कोरोना पर चित्र जो बनाए हैं वो सभी को पसंद आए और जी न्यूज़ पर पूरे राजस्थान में दिखाए हैं, बाकी लोकल पेपर और कवर कर ही रहे सर। जी, इस क्षेत्र के अलावा आप राजनीति में भी हैं, हम जानना चाहेंगे कि आप वर्तमान में राजनीति में किस पोस्ट पर हैं। मैं वर्तमान में जिला कांग्रेस महासचिव हूँ और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ में प्रदेश में सचिव हूँ। अंतिम सवाल है मेरा आपसे निवेदन है कि इस कोरोना संक्रमण के दौर के समय पूरा विश्व जूझ रहा है, तो ऐसे में आप चित्रकारी के माध्यम से तो मैसेज दे रहे हैं लेकिन सीधे राजस्थान चैनल बीपीए न्यूज़ आप मुखाग्नि है, तो आप बताएंगे आप क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं बीपीए न्यूज़ को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें केयरफुली रहना है इसमें, और जिस तरीके से सरकार लोगों को बता रही है कि सब अपने घर पर रहें, लॉकडाउन का पूरा पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल बराबर बना के रखें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, बार बार में हाथ धोएं और किसी भी अजनबी व्यक्ति से टच नहीं हो। जी, बीपीए न्यूज राजस्थान से चर्चा करने पर आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।